हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स, आइए कुछ और सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले बच्चे किस प्रकार जीवात्मा जगत के संपर्क में रहते हैं? माँ के गर्भ में स्थित शिशु का जीवात्मा जगत से पूरा संपर्क होता है। इस दौरान यदि बच्चे को यह महसूस होता है कि परिस्थितियों के कारण उसका आध्यात्मिक विकास बाधित होगा, तो वह जीवात्मा जगत में वापस लौट सकता है और उसके शरीर को कोई दूसरी आत्मा अपना सकती है। केवल इस कारण कि बच्चे को अब माँ की ज़रूरत नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ के गर्भ से मृत शिशु का जन्म होगा। यदि वह उसके कर्म का हिस्सा नहीं है, तो शिशु के शरीर में दूसरी आत्मा द्वारा प्रवेश कर लिया जाएगा। यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि गर्भ में पलने वाले शिशु की ग्रहणशीलता तीव्र होती है, क्योंकि उसका अवचेतन मन जागृत होता है। वह शिशु अब भी जीवात्मा जगत के संपर्क में होता है और अपने माता पिता के क्रियाकलापों का विश्लेषण करता है। सकारात्मक और संतुष्ट रहिए और यह ध्यान रखिए कि हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बच्चों को बचाएं। उदाहरण के लिए, जब माँ दुखी होती है तो शिशु द्वारा दुख की नेगेटिव एनर्जी ग्रहण की जाती है। शिशु माँ के विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यदि माँ की प्रवृत्ति लगातार नकारात्मक बनी रही और वह गलत रास्ते पर हो, तो शिशु की भली आत्मा जीवात्मा जगत में वापस लौट जाएगी और निम्नतर आध्यात्मिक स्तर की आत्मा उसका स्थान लेगी। यदि शिशु के शरीर के लिए कोई आत्मा नहीं आती, तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। जन्म लेने के बाद बोलना आरंभ होने तक शिशु जीवात्मा जगत के संपर्क में होता है। इसके बाद शिशु को अवचेतन मन उसके भौतिक मन को जीवात्मा जगत की स्मृतियां रखने की अनुमति नहीं देता। शिशु के बोलना शुरू करने के बाद क्या उसके जीवात्मा जगत से सारे संपर्क टूट जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी गहरी स्वप्नहीन निद्रा में आप ऐसे स्थान की यात्रा पर जाते हैं जो पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच स्थित होती हैं। आपकी आत्मा आपके शरीर से उठकर दूसरी जीवात्माओं से मिलने ऊपर की ओर बढ़ती है। आपकी नींद में जीवात्मा जगत में रहने वाले आपके प्रियजन आपके अवचेतन मन के जरिए बात करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। वे लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। रुपहली डोरी से कहीं ना कहीं आप अपने भौतिक शरीर से जुड़े होते हैं। आपकी रुपहली डोरी आपके जीवात्मा को आपके भौतिक शरीर से जोड़े रखती है और जब आपकी मृत्यु होती है, तब यह संपर्क टूट जाता है। आप अपने प्रियजनों से कुछ मिनटों अथवा कभी कभी कुछ घंटों के लिए भी मिल सकते हैं, लेकिन यह आपकी नींद पर निर्भर करता है, जो गहरी और स्वप्नहीन होनी चाहिए। मिलने वालों के बीच प्रेम होना चाहिए, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ। विश्वास रखिए, यदि जीवात्मा जगत में आपके प्रियजन हैं, तो आप उनसे नियमित रूप से अवश्य मिलते हैं। ये प्रियजन केवल इसी जन्म में बिछड़ी हुई आत्माएं नहीं हैं, बल्कि इनमें वे लोग भी हो सकते हैं जो पिछले जन्म में आपके बहुत करीब रहे हों और जीवात्मा जगत से आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हों। रुपहली डोरी अनेक प्रकाश किरणों से मिलकर बनी होती है, जो एक साथ मिलकर एक लंबी किरण बनाती है। रुपहली डोरी शरीर पर सिर के ऊपरी भाग से जुड़ी होती है, ताकि आत्मा सिर के कोमल हिस्से से होकर अंदर या बाहर जा सके। जैसे कि बच्चों में हमेशा सिर पर एक मुलायम स्थान होता है जहां रुपहली डोरी जुड़ी होती है। नींद में अक्सर ऐसा होता है कि आप एक झटके के साथ अचानक जगते हैं, आपके सीने में धक्का सा लगता है और आपको महसूस होता है कि आप गिर रहे हैं और अभी अभी ज़मीन पर उतरे हैं। यह तब होता है जब आत्मा अपने प्रियजनों को प्राकृतिक तौर पर मिलकर आने के बाद अपने भौतिक शरीर में लौटती है। रुपहली डोरी टूट जाने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। जीवात्मा जगत में आपके फरिश्ते आपकी रुपहली डोरी को भरपूर तेज सफ़ेद रोशनी के द्वारा सुरक्षित रखते हैं, जिससे एक सुरक्षाकारी प्रभा मंडल का निर्माण होता है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक ना पहुँच पाए। जब आप ध्यान की अस्वाभाविक विधियों और सूक्ष्म शरीरी अवकाश यात्रा का अनुसरण करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि आपकी रुपहली डोरी खतरे में होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं रुपहली डोरी को काट कर
आपको अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने से रोक सकती हैं। अवकाशीय यात्रा तब होती है जब मनुष्य अप्राकृतिक रूप से और मानसिक सजगता के साथ शरीर छोड़ता है, जिसे हमारे कल्चर में कई बार समाधि कहते हैं, जो बहुत ही सिद्ध लोग कर पाते हैं। इसमें एक जोखिम होता है, क्योंकि यदि रुपहली डोरी टूट जाए तो समय से पहले और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूरा करने से पहले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। बच्चों की मृत्यु हो जाने पर उनका क्या होता है? पृथ्वी पर जिन बच्चों की मौत हो जाती है, वे वापस बच्चे के रूप में ही जीवात्मा जगत में आते हैं और वहीं वे बड़े होते हैं। उनके वयस्क जीवात्मा के रूप में विकसित होने तक जीवात्मिक माओं के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें बहुत कम वक्त लगता है। पूर्ण विकसित वयस्क हो जाने पर वे खुद ब खुद अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। कुछ युवा जो पृथ्वी पर मृत्यु पाकर जीवात्मा जगत में आते हैं, वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि वे मर चुके हैं। रत्तु इन्हीं आत्माओं के बीच काम करता है। इसी प्रकार बच्चों को जीवात्मिक माओं की जरूरत होती है, जो उन्हें इस माहौल के बारे में बता सके। जल्द ही ये आत्माएं बड़ी हो जाती हैं और अपना स्वाभाविक जीवात्मिक रूप धारण कर लेती हैं। मरने के बाद जानवरों का क्या होता है? जानवरों के लिए अपना अलग जीवात्मा जगत होता है। ठीक जिस तरह मनुष्य की आत्माएं विभिन्न लोकों में जाती हैं, उसी तरह जानवरों की आत्माएं भी विभिन्न लोकों में जाती हैं। लेकिन उनके केवल तीन लोक होते हैं, निम्न, मध्यम, उच्चतम। कुछ जानवरों को यदि वे पृथ्वी पर पालतू रूप में रहे हों, तो उन्हें मनुष्य के जीवात्मा जगत में रहने की अनुमति भी मिलती है। लेकिन ऐसा बहुत असाधारण स्थितियों में होता है। जानवर और मनुष्य दोनों को ही उच्च स्तरों पर होना चाहिए और उनके बीच बहुत मजबूत लगाव होना चाहिए। दोनों के बीच विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती हैं? हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य को नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं तो हमें दुख होता है। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती हैं, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नेगेटिव लोग उन्हें दुख देते हैं। अन्यथा हम खुश और पॉजिटिव रहते हैं। साथ ही हमें सच्चे रूप से पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? नहीं, उच्चतर लोगों की कुछ ही जीवात्माओं की ईश्वर से भेंट हुई। लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं और हम उनकी सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए हम यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। हमारे अवचेतन मन यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और यह भी कि वे हमारी देखभाल करते हैं। क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने का समय निर्धारित होता है? जिस तरह आप अपने जन्म की तारीख चुनते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी मृत्यु की तारीख का चयन भी करते हैं, जिसे अंतिम तारीख कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की तीन अंतिम तारीख होती हैं, जिन्हें प्रस्थान बिंदु माना जाता है। प्रथम दो अंतिम तारीखों को ऐसी किसी बीमारी अथवा दुर्घटना से पार किया जा सकता है जिससे आप सुरक्षित बच गए हों। अतः यदि आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आप गलत रास्ते पर हैं और वापस सही रास्ते पर लौटने की संभावनाएं बहुत कम हैं, तो आप प्रथम दो तारीखों में से किसी एक तारीख को धरती छोड़ देने का फैसला कर लेते हैं। तीसरी तारीख निर्णायक होती है, लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अनुग्रह काल की याचना कर सकता है। मतलब ऐसा उस व्यक्ति के चेतन मन के बिना होता है। अवचेतन मन किसी दोस्त, संबंधी या अजनबी के अवचेतन मन से समझौता करता है और पृथ्वी पर उसका बचा हुआ समय अपने हिस्से कर लेता है। इसके लिए आत्मा को अपने लोक की उच्च भली आत्मा से अनुमति लेनी होती है। यह बहुत ही असाधारण स्थिति में होता है और ऐसा किसी विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन कार्य के लिए किया जाता है। बहुत साल पहले ऐसा हमारे परिवार में हुआ था जब हम जीवित थे। एक बार जब पापा का ऑपरेशन होना था,
वह सबसे कहने लगे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। वे कहते थे कि अब यह आखिरी बार है कि मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। यह वाकई उनकी अंतिम तारीख थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शाम को माँ की चचेरी बहन गुला और मनी उनसे मिलने आई। उन्होंने बातें करते हंसते हंसाते समय बिताया और फिर अपने घर लौट गई। अगले दिन जब पापा ऑपरेशन टेबल पर थे तो हमें फ़ोन पर जानकारी मिली कि गुला की अचानक मौत हो गई। उस समय तो हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन अब हम जब जीवात्मा जगत में हैं, हमें पता चला कि जीने के लिए गुला के पास कुछ खास वजह नहीं थी, लेकिन पापा को हमारे परिवार की खातिर जीना था और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य पूरा करना था। सभी आत्माओं की तरह गुला के पास भी अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया कि वह पृथ्वी पर इस जीवन कार्य को पूरा कर सके। इसीलिए उन्होंने अपने बची हुई जीवन का समय हमारे पिता को दे दिया। इस प्रकार के उधार समय की व्यवस्था पूरी तरह आपके जीवित रहने की सच्ची ज़रूरत पर निर्भर करती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।